हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं बात करने वाला हूँ एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, ये कोऑपरेटिव बैंक है, ओके फ्रेंड्स, जिसके 11 स्टेट में 198 मतलब कि 198 ब्रांचेस हैं, ओके फ्रेंड्स। और ये मुंबई बेस्ड ब्रांच है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ओके फ्रेंड्स। इसकी वैकेंसी जो आई है वो 30 वैकेंसी आई है क्लरिकल ग्रेड के लिए। उस पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ओके फ्रेंड्स। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें नोटिफिकेशन के थ्रू, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन गेटवे जो ओपन होगा, मतलब आप एप्लीकेशन जो फिल कर सकते हैं वो 18 मार्च से कर सकते हैं, इसी मंथ, ठीक है फ्रेंड्स, 18 मार्च 2020। तो फ्रेंड्स, आप एप्लीकेशन जो फिल कर सकते हैं वो 18 मार्च से कर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी आप 18 मार्च से पे कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो है 30 मार्च 2020, मतलब 18 मार्च से लेकर के 30 मार्च 2020 तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 26 अप्रैल 2020 को, ओके फ्रेंड्स। और इसका एडमिट कार्ड जो है वो आप 15 अप्रैल से डाउनलोड कर सकते हैं। मे बी एग्जामिनेशन के डेट में चेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे अगर कुछ अपडेट्स आते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, ओके फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूं कि इसकी जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो है 600 रुपीज़, ओके फ्रेंड, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको मैं बता दूं कि आप ऑनलाइन पे करेंगे, सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है, एप्लीकेशन फ़ी से लेकर के एप्लीकेशन फ़िल करने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। आपको जो फ़ी करनी है, फ़ी पे करनी है, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, ओके फ्रेंड। एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपीज़ है। और बता दूं आपको कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा फ्रेंड्स, वो होगा सिर्फ दो शहर में, एक मुंबई में, एक पुणे में, ओके फ्रेंड्स। तो मुंबई में चार लोकेशन है आपका, मुंबई है, नवी मुंबई, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, ओके फ्रेंड्स। और पुणे में आपका दो लोकेशन पे होगा, एक होगा पुणे और एक होगा पिंपरी छिंचवाड़, ओके फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी अच्छी बात है। तो ग्रेजुएशन में आपके पास, आप बीकॉम होल्डर हैं भी हो सकते हैं, या बीबीए मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मैनेजमेंट स्टडीज, अकाउंटिंग एंड फिनांस, मतलब ये सब जो पेपर्स हैं आप इनमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। और आपको मिनिमम 45% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ओके, कंपलसरी है आपका मिनिमम 45% मार्क्स, ओके फ्रेंड्स। अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो वो भी आपके लिए एक अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें एक और अच्छी बात है फ्रेंड्स कि अगर आपने एमबीए अगर फुल टाइम 2 साल का किया है, या फिर आपने डिस्टेंस या पार्ट टाइम लर्निंग की है 3 ईयर्स की, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ओके फ्रेंड्स। और एज की जो लिमिट है वो है 30 ईयर्स तक। आपको मैं बता दूं कि 1 तारीख चौथा महीना 1990 मतलब कि 1/4/1990, ठीक है, उससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 1990 के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 31 मार्च 2002 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो 1 अप्रैल 1990 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 31 मार्च 2002 के पहले जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन सा पेपर आएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश होगी आपकी 50 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक ही में आएगा, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 50 मार्क्स होगा 60, ओके फ्रेंड। और जो मैथ्स का आपका पेपर होगा, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 और मार्क्स होंगे 50, तो आपका जो टोटल 190 क्वेश्चंस होगा और 200 मार्क्स का होगा। तो फ्रेंड्स, अलग अलग पेपर के लिए आपको अलग अलग समय दिया गया। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट, और मैथ्स के लिए मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा 160 मिनट का मिलेगा फ्रेंड्स। उसमें आपको 190 क्वेश्चन बनाने हैं, जो कि 200 मार्क्स का होगा। और बता दूं, आप
अभी इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आपका मिनिमम 50% मार्क्स आएगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। मतलब 200 नंबर का जो एग्ज़ाम है, आपको 100 नंबर एट एनी कॉस्ट लाना ही होगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/4 जो है वो नंबर कटेगा, मतलब 0.25 नंबर आपका कटेगा एक रॉन्ग करने पर, ठीक है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये एग्ज़ाम जो होगा आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी जॉब के रिगार्डिंग न्यू अपडेट। अगर और भी कोई अपडेट अगर ऐसी आती है कोई जॉब, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसी तरह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।